Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ IBM की तरफ से आपको एक इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी BE, BTech, कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड से की है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे निकल के आया है। आपको इंटर्नशिप ऑफ़र की जा रही है IBM की तरफ से, फुल टाइम इंटर्नशिप यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है और साथ ही में अगर आपको ये इंटर्नशिप मिल जाती है तो आपको 20+ स्टाइफन जो है वो IBM की तरफ से आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जाएगा। सो इस इंटर्नशिप के बारे में सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before starting the video, I would like to request all my viewers, if you're new to my channel then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on my Telegram channel and my WhatsApp group, so if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career then you can join me there. अब हम देख लेते हैं आज की हमारी इंटर्नशिप जो कि IBM की तरफ से ऑफर की जा रही है उसकी डिटेल्स। सो इसकी डिटेल आपको IBM के करियर सेक्शन में मिल जाएगी। लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम इस इंटर्नशिप की डिटेल्स देख लेते हैं। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस इंटर्नशिप की आपकी लोकेशन जो होने वाली है दैट विल बी बैंगलोर लोकेशन। ये कोई वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं है। इस इंटर्नशिप को लेने के लिए आपको बैंगलोर सेक्शन में इनका जो ऑफिस है वहाँ पे आपको ये इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। फुल टाइम की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। यहाँ पर आपको कोई भी सेक्शन में किसी भी IT के डिवीज़न में आपको जो है वो काम करने का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। आपको या तो आपको एनालिसिस सेक्शन में डाला जाएगा। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो इंटर्नशिप है ये इसी फील्ड के लोगों को जिनको इसमें इंटरेस्ट है या प्रोग्रामिंग की नॉलेज है उन्हीं के लिए निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं यू विल बी इन्वॉल्व इन एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग ऑफ कोड इन लाइव प्रोजेक्ट्स। तो आपको यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स में काम भी कराया जाएगा। साथ ही में आपको थोड़े बहुत अजाइल के स्किल्स भी पता होने चाहिए कि प्रोजेक्ट में अजाइल के स्किल्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BE, BTech होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस में एंड IT फील्ड में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी अगर आपने अपनी BTech कर ली है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप अपने 6th सेमेस्टर में हैं और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो तब भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपकी जो है वो इंटर्नशिप यहाँ पे चल सकती है। और साथ ही में आपकी डिग्री में यहाँ पे कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मिनिमम आपकी CGPA जो है वो 70% यहाँ पे मानी ये है, मतलब 70% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और CGPA आपकी 7 के अराउंड होनी चाहिए। तो ये चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रिक्वायरमेंट्स में मांगी गई है। और अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं सो वो मैंडेटरी होती है, वो भी यहाँ पर मांगी गई है। अगर मैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की बात करूँ प्रेफरेबल, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से प्रोग्रामिंग फील्ड में कैसे काम करते हैं। आपको जो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे की जॉब डिटेल्स दी गई है, जिसमें से सिटी आपकी बताई गई है कि बैंगलोर में आपकी ये इंटर्नशिप होने वाली है। साथ ही में रिक्वायर्ड एजुकेशन भी यहाँ पे बताई गई है कि बैचलर्स डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है। पोजीशन टाइप आप देख सकते हैं ये इंटर्नशिप है, फुल टाइम इंटर्नशिप आपको यहाँ पर ऑफ़र की जाने वाली है। और साथ ही में आपको जो है वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का यहाँ पर टाइम जो है वो डेडिकेट करना पड़ेगा इसके साथ। अब हम देख लेते हैं कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इस साथ ही में देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है ये सेक्शन आ जाएगा जो एप्लीकेशन का फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें आपका फर्स्ट नेम, या लास्ट नेम, या प्राइमरी ईमेल और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड आपको ऐड करनी पड़ेगी, जॉब कैटेगरी, पोजीशन टाइप, प्राइमरी कंट्री ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर अगर आप स्किप एंड अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। स्किप एंड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं IBM टैलेंट एक्विजिशन प्राइवेसी नोटिस, इसमें आप एग्री कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे एग्री कर देंगे उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको इसके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके लिए जो है वो ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो भी आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंटिन्यू करते ही आप इसमें एंटर हो जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो वन बाय वन आप अपनी एप्लीकेशन की सारी अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर कर सकते हैं एंड देन आफ्टर आपकी जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। सो इसी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं शॉर्टलिस्टिंग डिटेल्स आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको आपका जो रेज्यूमे है वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने वाला है। जो IBM की टीम है, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होगा तो आपके रेज्यूमे के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद के अगर राउंड्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड होने वाला है, आपका HR राउंड होगा, आपका कोडिंग राउंड होगा। तो तीन राउंड्स के बाद ही आपकी शॉर्टलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड कीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट आपका रेज्यूमे ही है। सो एक बार आपका रेज्यूमे अच्छा होगा तो आप फर्दर के राउंड्स जो हैं उनके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। सो ये रही आज की इंटर्नशिप की, जो कि आपको IBM की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, उसकी कंप्लीट डिटेल लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। उससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड माय व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप जानते हैं इसी तरह की वीडियोज़ की सबसे पहले अपडेट आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।